हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा अडेनियम में आपका स्वागत है। समर का सीज़न शुरू है और मेरी तरह आपके भी अडेनियम पर सुंदर सुंदर अडेनियम के फ्लावर्स खिल रहे होंगे। और आपको भी अडेनियम से सीड पॉड चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स ऐसी देना चाहती हूँ जिससे आपके भी अडेनियम में नेचुरली पॉलिनेशन होकर सीड्स मिले और कलरफुल फ्लावर्स आपके गार्डन में खिलते रहे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहे। नेचुरली पॉलिनेशन होकर सीड पॉड बनने के लिए हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेटर्स मतलब मधुमक्खी, कीट, पतंगे, जो हमारे गार्डन में एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं। पॉलिनेटर्स खुशबूदार फ्लावर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम हमारे गार्डन में मोगरा, गुलाब, जैस्मिन की तरह खुशबूदार फ्लावर अपने अडेनियम के आसपास लगा देंगे तो मधुमक्खियाँ अपने आप ही हमारे गार्डन में आ जाएंगी और हमारे अडेनियम का भी पॉलिनेशन कर देगी, जिससे हमें सीड पॉड मिले। अगर आप सिर्फ अडेनियम ही उगाते हैं, दूसरे प्लांट्स नहीं लगा सकते, तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और एक तरकीब है जिसे आप अपनाकर सीड पॉड पा सकते हैं। हमारे घर में जो खाने के लिए हनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इतना ही पानी ऐड करना है कि वो स्प्रे हो सके। उसी पानी से अडेनियम के फ्लावर पर स्प्रे करना है। इससे यह होता है कि जहाँ पर हनी होती है वहाँ मधुमक्खियाँ आती ही है और हमारा पॉलिनेशन का काम भी हो जाएगा। ये सिर्फ नेचुरली पॉलिनेशन के लिए टिप्स है। अगर आप नेचुरली पॉलिनेशन चाहते हैं तो इससे कोई भी एक टिप आप अपना सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।